नमस्कार, और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स पेज, और हम इसमें वाराणसी कैंट स्टेशन पे हैं। आपको बता दें कि आज लगभग 5:30 बजे यहाँ पे सूरत से ट्रेन आई हुई है। लगभग उसमें 1200 यात्री आए हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा सभी यात्रियों को थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और यहाँ पे मेडिकल की सुविधा की। उपलब्ध कराया गया है। आपको बता दें कि ये जो यात्री बैठे हुए हैं, इनको विभिन्न जनपदों में जाना है। ऐसे में हम आप बात करेंगे कि इनको अपने पैसे से आए हैं या गवर्नमेंट के सुविधा से आए हैं। ऐसे में सरकार लगातार ये कह रही है कि हम सुविधा दे रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो ये टिकट से आए हैं या बेड आउट टिकट या सरकार की तरफ से जो सुविधा थी उस पर। ये क्या नाम पड़ेगा आपका? जी सर, राम जन्म जी। आप टिकट लेकर आए हैं अपने पैसे से या सरकार के पैसे? नहीं सर, अपने पैसे से टिकट लेकर। आपको ट्रेन में क्या क्या सुविधा मिली? केवल सर एक जगह पे खाना मिला। क्या मिला खाने में? खिचड़ी मिली थी और पानी बस। सूरत से वांजली सोसाइटी। सूरत से आ रहे हैं तो क्या सुविधा थी मिली ट्रेन में? वो 1 लीटर पानी मिला बोतल का और खाना मिला। खाने वाले मिला? तो क्या किराया देकर आए हैं कि सरकार की तरफ से किराया मिला है? किराया देकर आए हैं। कितना किराया लगा है? 750। हरकेश जी, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ तक आप इसमें हैं? हम सूरत से आ रहे हैं और ये वाराणसी स्टेशन पर पहुँचे। तो क्या किराया दे कर आए हैं? हाँ, अपना किराया दे कर आए हैं, 750 रुपये दिए हैं। टिकट पे 620 लगा है, 750 रुपये लिया है। वो टिकट भी मिला उसमें 620 रुपये लिखा है और हमको 750 रुपये देना पड़ा। नाम? शर्मिला। शर्मिला, आप कहाँ से आ रही हैं? सूरत से आ रही हैं। तो सरकार की तरफ से टिकट आपको फ्री में मिला या पैसा दिखाए? पैसा कितना दिखाए हैं? मेरे पति ने खिचड़ी पानी बस मिले, बस और कुछ नहीं। तो आप देखा है कि सिर्फ खिचड़ी और पानी मिला है। जो व्यक्ति 2 से 3 लीटर पानी पीता है और खिचड़ी खाएगा तो कैसे जिएगा? ऐसे में और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनकी समस्या क्या थी। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुखदेव सर। सुखदेव, कहाँ जाएंगे? मैं फैजाबाद जाऊँगा। फैजाबाद जाएंगे। सूरत से चले हैं तो क्या क्या सुविधा मिली गवर्नमेंट के द्वारा? कुछ नहीं मिला सर, अपने पैसे का टिकट लिया, एक जगह केवल खिचड़ी एक बोतल पानी मिला। थोड़ा टिकट दिखलाएंगे क्या आप? हाँ जी। तो आप देखिए, ये टिकट 620 रुपये का टिकट कटवाए हुए हैं और इनको रास्ते में मात्र खिचड़ी और पानी मिला हुआ। ऐसे में तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। किसी के पास बच्चे हैं, किसी के पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है, फिर भी लगातार ये लोग बहुत मुसीबत के साथ आए हुए हैं और अपने गंतव्य के जाने के लिए परेशान हैं। ऐसे में हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची भी है, उसकी मम्मी भी हैं। हम बात करेंगे कि कैसे ये यहाँ तक पहुँचे। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? पूनम। कैसे यात्रा रहा है आपका? यात्रा आप की हैं तो टिकट कटा के अपने आई हैं या सरकार के द्वारा आप आई हैं? बैलेंस लगा है। कितना टिकट लगा है? 800 लगा है। 800 लगा है। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि ये इनका कहना है कि हम 800 रुपये टिकट कटवा के आए हैं, क्योंकि इनके साथ बच्चे भी हैं और भी लोग हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की नज़र मजदूरों पे नहीं है, क्योंकि लगातार सरकार इस पे काम करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रही है। आप देखते रहिए रिपोर्टर्स पेज। नमस्कार।